जो यूथ है, जो लोग होम वर्कआउट करते हैं, जो जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? लंगोटा का नाड़ा पूरा स्किन में चला गया था, खून आ रहा था सर। अब सलमान सर को कभी मिले थे? बेटा एक हाँ, जड़ी बूटी ऐसे। लेकिन शाम का देखा मैंने, पूरी भाजी खाता था कॉम्पिटिशन। तो ये थी बात जो इनकी जर्नी की। इनको बाइक्स पसंद है, तो मतलब व्हीकल तो मतलब पसंद ही है, तो उनके पास कलेक्शन है। लेकिन वो सब लेने के लिए उन्होंने जो हार्डवर्क किया है, वो पूछते हैं उनके बारे में कि सर आपका स्ट्रगल पीरियड था कभी लाइफ में? स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, मीन्स एंड तक स्ट्रगल ही था। अच्छा, जैसे नॉलेज में स्ट्रगल था। तभी के टाइम के बॉडी बिल्डर कोई भी कोई बात बताते नहीं थे इजीली। एग्जैक्टली, या तो उनके पट्टे बनो, उनके काम करो, तो ये आपको बताएंगे, वो भी सीक्रेटली बताएंगे। बेटा एक हाँ, जड़ी बूटी ऐसे। अभी का टाइम वो नहीं है। अभी का क्या है, आप कोई भी इंटरनेशनल कोच से भी आप एडवाइस ले सकते हो, कंसल्टिंग करके, या गूगल पे भी डाल सकते हो मेरे जो वेट गेन करना है तो क्या प्रोसेस है उसमें। आपको हजार ऐसे आ जाएंगे कि ये करो, वो करो, फलाना करो। तो वो टाइम पे कुछ था नहीं, नहीं था। तो कई सारे गुरु मैंने अलग अलग चेंज किए। सभी गुरु मेरे बेस्ट ही गुरुज है, सब लोग ने हार्डवर्क ही सिखाया। क्योंकि तभी टाइम पे सप्लीमेंट नहीं था, नहीं था तभी, और पैसे भी नहीं थे, पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं था। अभी के जैसे पर्सनल ट्रेनिंग हम लोग देते, पैसे कमाते, वो टाइम पे कुछ काम नहीं था। काम एक ही था, दिन भर एक्सरसाइज करो, घर पे आके डाइट करो, सो जाओ, सो जाओ। जिम जॉब मैं पार्ट टाइम करता था, क्योंकि फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाता अगर फुल टाइम करके। तो पार्ट टाइम मैंने 3 घंटे का जॉब, उसमें 600 रुपया 900 रुपया सैलरी। ये कभी की बात है? ये 90s की बात है। अच्छा, 90s की बात है, पार्ट टाइम। फर्स्ट मेरा सदगुरु करके जिम था, वहाँ पे मैं ट्रेनर था। 3 घंटा 6 से 9 600 रुपये सैलरी। आप रे 600 रुपया अभी तो है इनका, एक्चुअली एक मील उसके उसके 3 गुना ज़्यादा रहेगा। यस, पर कैसा है, वो टाइम पे इतना एपिटाइट था मेरा कि मैं सोचता था कोई मुझे स्पॉन्सर करे दिन की 40 अंडे 50 अंडे, और आप कुछ भी बोलो मुझे कि ये खाना है तो बॉडी बनने है, मैं खाना ही है वो भी बॉइल्ड। किसी ने मुझे बोला कि फाइबर खाना चाहिए, तो मैं 3 जोड़ी पालक बॉइल करके रोज खाता था। वो तो रॉन्ग था, लेकिन ऐसा दिमाग था कि कोई कोच बोले ये कर तो वही करना है। ऐसा बोलते थे कि फाइबर खाने से मसल में फाइबर आता। तो मैं सुबह साइकिल से दादर स्टेशन जाता था, वहाँ पर बहुत सस्ती 2 रुपये की पालक, अभी का टाइम नहीं तभी का टाइम बता रहा हूँ। तो 3 जोड़ी लेके आके पालक खाता था। तो प्रोटीन भी क्या होता है पता ही नहीं था, वे प्रोटीन, और पैसे ही नहीं थे तो कैसे करे। और अभी का टाइम कैसा है, पैसे है लेकिन वो एज नहीं रहा। अभी सब कुछ खा सकता हूँ लेकिन एज मैटर करता है। तो जो राइट एज में आप करोगे ना, मीन्स आप बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग में पैसे कमाऊंगा फिर 35-40 के बाद देखता हूँ, पॉसिबल ही नहीं, तो वो सब नहीं हो सकता है। हाँ, जो एज में आपको करना है वो एज में ही हार्डवर्क करना है। हाँ, वही आप कंटिन्यू आगे कर सकते हो, कंसिस्टेंसी रखे। लेकिन कई लोग मैं देखता हूँ कि हमने जवानी पैसे कमाने में गए, तो अभी ये एज में हमको बॉडी बिल्डिंग करनी है। कई लोग आते हैं मेरे पास कि मैं सर इतना खर्चा, ये इतने ये लिख के दिया, वो लिख के दिया, फलाना सप्लीमेंट आप करके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है, वो लेवल पे करना तो नहीं पॉसिबल। यस यस सर, और ये जो फिजिकल गेम है ये एज के ऊपर भी मैटर करता है। जैसे सभी गेम्स, जैसे मैं पहले सोचता था कि सचिन तेंदुलकर इतनी जल्दी कैसे रिटायर हो गया, या क्रिकेटर्स ये 30, 32, 34 साल में कैसे रिटायर होते हैं। तो मैं जब हुआ वो साल का, तब मुझे पता चला कि अपना सब डाउन हो रहा है, सब एक्टिविटी बोलो, यस, उसके वजह से सब। हाँ, तो राइट एज में ही बॉडी बिल्डिंग करना सबसे बेटर है। अच्छा, मीन्स अगर आपका बेटा कल को आपको बोले कि मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, हाँ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? अभी उसकी जो हॉबी है, अगर उसको नहीं करने तो मैं प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये इसका भी एक मैं बताता हूँ, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में कई सारे ऐसे स्टूडेंट आए जिनको उनके डैड मेरे पास लेके आए कि सर इसको बनाना है, लेकिन उनको मूड नहीं था। वो बाप को जो इंटरेस्ट था कि डैडी को कि बेटे को, वो हिसाब से वो आए थे। तो मैं कितना उनको एडवाइस किया वर्कआउट डाइट, लेकिन वो बॉडी बिल्डर बने ही नहीं, मतलब क्योंकि दिल में ही नहीं था। दिल में नहीं, दिल में ही नहीं। मैं पूछा भी, जो मेरा एक दोस्त का बेटा है
तो उसको बोला तू क्यों प्रेशराइज कर रहा है, नहीं नहीं उसको है दिल, उसको दिल है दिल, और जो मैं उसको डाइट देता था वो करता ही नहीं था, क्योंकि मैं बॉडी देख के पता सकता हूँ ये डाइट कर रहा है कि नहीं, वो तो सर पता, समझ रहे हो, बोले इसका कॉम्पिटिशन रहेगी एक हफ्ता और इसके फैट कैसा है बॉडी पे। फिर मेरे को उसके दोस्त लोग बता रहे यार ये तो रोज चॉकलेट खाता है सर जिम में, तो वैसा दिल ही नहीं था उसका, अगर दिल से करता तो ये सब, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये पहला ये है सैक्रिफाइस, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको खाना नहीं है जिंदगी भर। अब जिम जाके 7-7 घंटे एक्सरसाइज करना किसको अच्छा लगता है, आराम करो टीवी देखो वही अच्छा लगेगा सबको, अभी के टाइम में पबजी खेलो, यस। तो ये बहुत हार्डवर्क, सैक्रिफाइस, नॉलेज, पैसा, रेस्ट, ये टॉप का गेम है, मीन्स इससे महंगा गेम और मेहनत में भी सबसे ज़्यादा इसमें ही लगती है। अच्छा, इसमें जेनेटिक्स मैटर करता है? 100% करता है। बहुत गंदा था, बहुत गंदा था, मीन्स मेरे साथ वाले जेनेटिक जो थे वो लोग कम मेहनत करते थे लेकिन मेरे से अच्छे थे। अच्छा, तो मेरे को जलन होती थी कि यार नाम वगैरह ले सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं, मेरा जिम पार्टनर था मंदार सवरकर, वो पुणे से था, इतना गिफ्टेड था वो और एक्सरसाइज मेरे साथ करता था लेकिन जबरदस्त गिफ्टेड था, मीन्स डाइट भी इतना नहीं करता था, जैसे हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ये मस्त खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, ये खा रहा है, तो जेनेटिक बहुत मैटर करता है, जेनेटिकली गिफ्टेड ही है जो आज के तारीख में आगे है। और अपना शाम रटे सर? यस 100%। अरे बाप रे, अरे सॉलिड डेंजर गिफ्टेड मरे सुहास भी, सुहास भी, लेकिन शाम का मैं बताता हूँ, एक शाम इसे स्ट्रिक्ट डाइट कभी नहीं करता था। अच्छा। क्योंकि हम लोग रेलवे में साथ में जाते थे, तो मैं तो बॉयल मींस उसमें एक ऐसा ये भी नहीं रहेगा कुछ नमक का, या अगर रोटी खा ली तो उसको मम्मी ने अगर घी लगा दिया नहीं तो चिल्लाता था मैं। हाँ, हाँ। नहीं खाते थे। लेकिन शाम का देखा मैंने पूरी भाजी खाता था कॉम्पिटिशन में, पूरी भाजी, उसको पूछ लेना कभी, क्योंकि मैं साथ में रहता था ट्रेन में। मैंने आपको ना मेल किया हुआ, मेल भी किया हुआ और इंस्टाग्राम पे आपको डीएम भी किया हुआ है। खतरनाक बॉडी थी उसकी, खतरनाक बॉडी। सर एक और एक सवाल, सर आपको लेट तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब फ्लू अच्छा है। सर आप सलमान सर को कभी मिले थे पहले? मतलब किसने रेफरेंस किया था? या इंदर कुमार, ये पहली मेरी ट्रेनिंग थी, मीन्स इंदर कुमार आरम्बर जिम में आता था। अच्छा, यहाँ पर आते थे? मीन्स किसी को मिलने आया था तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया कि इससे ट्रेनिंग ले। अच्छा, तो ट्रेनिंग एक दो दिन की, तो उससे वो रहता था वहाँ पे सात बंगला। हाँ, सेवन बंगलोस। तो वहाँ से यहाँ आना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो तभी वो सलमान के कांटेक्ट में था। तो मुझे बोला तू हाफ वे आ, मैं हाफ वे आता हूँ, सलमान भाई के जिम में मिलेंगे। अच्छा, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे, तो वहाँ सलमान भाई ने देखा मुझे, और उसके बाद इंदर कुमार का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया तो ट्रेनिंग वेनिंग छूट गई थी। और इंदर को सलमान ने बोला कि मनीष ट्रेन करेगा क्या? हाँ। तो बोले उसका तो कांटेक्ट नहीं है मेरे पास, मेरे पास मोबाइल नहीं था। हाँ। तभी 2000 की बात रही। हाँ, मोबाइल नहीं था मेरे पास। हाँ। मेरे घर का नंबर था, ऐसे मैं पुराने घर में रहता था, चौल में रहता था। तो वो नंबर लिया और सलमान भाई ने फ़ोन किया, तो मम्मी ने उठा लिया था। हाँ। मराठी में बात किया, फोन किया था। हाँ, हाँ, कि मैं सलमान खान बोलते है। हाँ। तो मम्मी ऐसे फोन हाथ रखी मेरे को, बोले कोई सलमान खान ये ले यार, रख रख यार, कोई पका रहा होगा। समझा। हाँ। रख दिया फोन उसने। हाँ। दो दिन फिर वाया वाया मुझे कि भाई फोन कर रहे, तुझे कांटेक्ट कर रहे। अच्छा, इंदर कुमार ने या उनका जो असिस्टेंट था नदीम, उसने कॉल किए थे। तो मैं यकीन ही नहीं आया ना, इतना कौन करेगा यकीन, लैंडलाइन पे फोन किया है। हाँ, तो फिर कॉल किया और मिलने गया, वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। शूटिंग पे जाना, पूना गर्व की शूटिंग, काफ़ी सारे अलग अलग किया। सलमान सर के बाद में आपको काफ़ी सारे ट्रेनिंग मिले थे ना? ट्रेनिंग मिले, लेकिन मुझे बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा ये था, करना था। हाँ। ट्रेनिंग के पीछे नहीं कभी मैं उतना रहा, अभी भी पूरे मेरे करियर में खाली 3 जन को ट्रेनिंग दिया हूँ एज अ क्लाइंट। बाकी ऐसे नई ट्रेनिंग, हाँ वो तो कंसल्टिंग होता है या खड़े रह के सिखाना, तो अलग बात है। वो तो है। और एक ड्रीम है खुद का जिम डालना था, लेकिन लॉकडाउन के बाद देखे कहीं जिम बंद हो गए, तो मैंने वो बैकअप ले लिया। बैकअप ले लिया, मैं ऐसे जिम पैसे कमाने के लिए नहीं डाल रहा था, मेरे को एक भले
प्रॉफिट नहीं हो पर लॉस भी नहीं होना चाहिए, पर एक जगह जहाँ मैं खड़ा रहा हूँ, पुराने जिम में मैं खड़ा रहता था ना, हाँ। अलग पूरा मुंबई से लड़के लोग वहाँ पे आते थे डोंबोली से, कल्याण से ट्रेनिंग लेने, वही टाइम ट्रेनिंग भी नहीं, वही टाइम पे हम लोग एक्सरसाइज करते थे, जैसे 8 बजे जाते थे ना तो 12-1 बजे तक 4-5 घंटे जिम में, वहीं पे खाना वहीं पे सोना, कभी कभी तो 8 बजे जाके 2 बजे निकलते थे बाहर, 6 घंटा, हाँ बीच में रेस्ट वहीं पे, अच्छा। घर भी बाजू में था, वहीं अंडे मंगा लिए, अच्छा। वहीं बॉयल पोटैटो मंगा लिए, फिर दूसरा शेड्यूल कर लिए, मतलब अगर कोई दोस्त आया था कि क्योंकि जिम में नहीं कुछ काम भी नहीं था ना तभी, अच्छा। ना कुछ जॉब थी ना पर्सनल ट्रेनिंग थी, अच्छा। ना सप्लीमेंट कहीं स्टार्ट मेरा तो हाँ था ही नहीं और जो शेड्यूल था ना वो मेरे इंस्पिरेशन थे प्रकाश कुंडे सर। प्रकाश कुंडे का नाम आपने सुना है क्या? सुना, ये बोलो सुना, वो पहले मिस्टर इंडिया शायद इंडिया रह चुके हैं, फर्स्ट मिस्टर इंडिया। यस, ये ऐसे मेरे को बहुत बुरा लगता है अगर कोई जैसे आप, तुमने ये फील्ड के कई टॉप जन के इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन हाँ। वो जो बंदा है ना मीन्स अनबिलीवेबल था बॉडी उसका, 9 टाइम मिस्टर इंडिया था, हाँ, मले। एंड अनबीटेबल मीन्स महाराष्ट्र में उसको किसी ने बीट नहीं किया एंड तक, और ट्रक पे क्लीनर थे पहले, हाँ ट्रक पे क्लीनर, उसका हार्डवर्क माने दिन के 6 घंटे पूरे साल 6 घंटे एक्सरसाइज करता था। उन्होंने जो शेड्यूल दिया ना मीन्स शेड्यूल कोई बाप का बाप नहीं कर पाए, सुबह 4 घंटा और फिर वापस शाम को 2 घंटा मसल का, हाँ क्योंकि मैंने उनका देखा था, तुमने फोटो देखे उनके कई? नहीं देखे, मीन्स आउटस्टैंडिंग था। मैंने बॉडी बिल्डिंग उनको देख के स्टार्ट किया। मुझे एक्चुअली मिस्टर प्रकाश कोइंडे के बारे में एक ऐसे आदमी ने बताया था जो खुद तभी 60 ईयर्स के थे और वो खुद जिम में ट्रेनर थे, बॉडी लाइन जिम बोरीवली में। यस, तो उन्होंने को प्रकाश कोइंडे का फोटो भी दिखाया था। yes. अभी कैमरा में मोबाइल आ गया, वो जो बॉडी है और अभी की बॉडी है, हाँ। तभी तो कुछ था भी नहीं, नो सप्लीमेंट कुछ नॉलेज नहीं, वो टाइम पे वो बॉडी थी उसकी, तो मतलब उसको ये बोल सकते हैं कि इंडिया के आर्नोल्ड। यस यस यस, और खतरनाक बाबा। मींस मैंने एक बताता हूँ वाकया, पहले बॉडी बिल्डर लंगोट डालते थे, है कि नहीं, एक्सरसाइज में लंगोट अंदर, अभी तो सपोर्टर आ गया, टाइट अंडरवेयर डालते, पर अभी कोई लंगोट नहीं डालता है, नहीं डालता अभी तो सपोर्टर। तो सर लंगोट डालते थे, ऊपर शॉर्ट्स रहती थी, ऊपर एक्सरसाइज करते थे, एब्स मार रहे थे, एक घंटा एब्स मार रहे थे, एब्स उनके एब्स माने एब्स के बीच में उंगली जाएगी आपकी, ऐसे एब्स थे। हाँ, एब्स मानने के बाद मेरे को दिखाया लंगोटा का नाड़ा पूरा स्किन में चला गया था, खून आ रहा था, तो कितने एब्स मारे रहेंगे सोचो तुमने। ऐसा हार्डवर्क मैंने देखा नहीं दोस्तों, लेवल ही अलग है, सोच ही नहीं सकते। इधर तो हल्का सा क्रैम्प, दो रेप मारा कल परसों तो सर अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स यही है कि बॉडी बिल्डिंग को बड़ा बनाना है, हाँ, जैसे वो फाइनेंशियली भी बड़ा हो, उसको अच्छी जॉब मिले और नाम भी हो। जैसे मेरे पास जो लड़के आते हैं वो लोग बॉडी अच्छी है लेकिन इंस्टा पे उनके प्रोफाइल में कोई उनके फॉलोअर्स नहीं है, और बड़ी बड़ी कंपनियां सप्लीमेंट की फॉलोअर्स कितने हैं वो देख के लेते हैं एथलीट। एग्जैक्टली और कितने सारे ऐसे नॉर्मल लड़के जिनकी बॉडी नहीं है लेकिन फॉलोअर्स है, 50K 100K फॉलोअर्स है, सिक्स पैक बना के बस घूमते रहते हैं। यस, मीन पता है क्या है कि सर जो अपने जैसे जो बॉडी बिल्डर्स जो ना वर्कआउट पे ज्यादा फोकस करते हैं, यस, वो लोग बोलते हैं कि छोड़ मेरे को इंस्टा नहीं, लेकिन वो भी करना जरूरी है, वही जरूरी है। आज के तारीख में प्रकाश कोइंडे को कोई नहीं पहचानता है क्योंकि उस टाइम पे कुछ सोशल मीडिया नहीं था, तो आज के टाइम में अगर है इतना जो जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ने के बाद ज्यादा फेमस हुआ हूँ जब, तो ये फेमस हुआ सोशल मीडिया की वजह से, तो आपको वो भी करना है, बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आप, अपडेट पता लगते हैं कि बॉडी बिल्डर कौन से कंडीशन में है वगैरह वगैरह वैसे। यस, हाँ सर, सबसे मेन बात अभी के बॉडी बिल्डर्स जो यूथ है जो लोग होम वर्कआउट करते हैं, जो जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोविड के बाद तो सबको मालूम पड़ गया है कि अगर जीना है तो एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना खाना है, तो वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर रेशियो देखोगे आप तो 100% में आधा टक्का जो है वही हेल्थ कॉन्शियस और जिम जाने वाला है, जिम जाने वाले लोग, हाँ लोग है, हाँ। तो ये बहुत कम है, हाँ। और वही वजह से, और जो जितनी बीमारियाँ है, हाँ। वो सब अपने खाने पीने पर
Exactly. 90% तो खाने पीने पे है, बाकी 10% वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि हो जाती है, इम्यूनिटी है, yes, yes, yes. तो एक्सरसाइज आप फिटनेस के मामले में इंडिया 140 से नंबर सवाल नहीं, सवाल नहीं, कुछ बहुत दूर है, हाँ, क्योंकि अपना जो खाना बना भी है उसमें बहुत सारे मसाले फ्राइड समझे, तो यस तो उसमें फिट फिट रहना पॉसिबल नहीं है. हर किसी को डाइट रखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एज अ फ्यूचर हेल्थ प्लानिंग के हिसाब से आप अगर 6 days डाइट करोगे और एक दिन खाओगे तो बेटर होगा. जैसे आप रोज, जैसे एक ट्रेनर था मेरे जिम में और जिम में मेंबर्स थे 1200, तो रोज किसी ना किसी का तो बर्थडे रहता था, एक केक आता था और एक केक खा के खाता था, तो मैं उसको बोल पाए तू ऐसा रोज केक खाएगा तो तेरा हो गया फिर बस कभी कभी ठीक है. हाँ तो वो लाइफ, यस मैं बोला लाइफ में जो रिस्ट्रिक्शन रखने बहुत जरूरी है. हाँ अभी जैसे आपने इतना रिस्ट्रिक्शन लगा बोला, जैसे बताया था कि ज्यादा सा तेल आ जाता था, क्योंकि आपको अपनी जेनेटिक्स पता है कि क्या है, मैं खा लूंगा तो मेरी बॉडी में जो है वाटर लेवल, और मैं फूडी हूँ, खाता हूँ, मैं ऐसे बात नहीं खाता हूँ, पर जब भी खाता हूँ दिल से खाता हूँ. आपने बोले मुझे एक मिठाई का पीस खा ले तो मैं नहीं खाऊंगा, पूरा डब्बा लेके एक दिन बैठूंगा खाऊंगा, वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा. काजू कतरी, काजू काजू कतरी, तो मैं एड्रेस डाल रहा हूँ नीचे, सर घर पे काजू कतरी पहुंचा. तो अभी जो है एक सवाल जो है मॉन्टू भी पूछेगा सर से, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया होगा, मैं भी थोड़ा सवाल और पूछूं. हाय सर, मैं मॉन्टू मोरे. यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि काफ़ी लोग, मतलब मैंने अपनी बॉडी नेचुरली बनाई है, तो काफ़ी मेरे वहाँ के लोग, लोकली लोग जो भी है, वो मुझे ऐसे कमेंट करते कि पाउडर खा के बॉडी बनाई है, एंड जो कि आज की तारीख में लोगों को पता ही नहीं कि सप्लीमेंट का वर्क क्या है बॉडी में, और हम इतनी मेहनत करके बॉडी बनाते हैं, तो ऐसे कमेंट पास करेंगे तो हमें थोड़ा अलग फील होता है. तो अभी मेरे भी कितने सारे दोस्त हैं जो मुझे आके मिलते हैं और ऐसे गर्व से बोलते हैं कि मैंने लाइफ में पाउडर नहीं खाई, तो वो एक मिथ है. कितने जन को आप रोक सकते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. जो है, जो फिटनेस में है उनको इसका जो महत्व है वो मालूम है, बाकी लोग को समझाना बहुत मुश्किल है. और हमारे टाइम कहाँ सप्लीमेंट है, अभी भी मैं कितने बॉडी बिल्डर दिखाऊंगा वो लोग सप्लीमेंट नहीं खाते. जो एकदम प्रोफेशनल है वो लोग अभी BCAA, ग्लूटामिन वो सब खाते हैं, लेकिन कई सारे बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट नहीं खाते. मैंने भी सर, विदाउट सप्लीमेंट भी अच्छी बॉडी बनती है. पहले नहीं खाता था, जब यूट्यूब पे वर्क करने लगा तभी स्पॉन्सर्स मिलने लगे, तो वही जो मैं खुद सप्लीमेंट पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ. मीन्स जो इम्पोर्टेंट है, BCAA, ग्लूटामिन, अमीनो एसिड्स, ये सब इम्पोर्टेंट है, बाकी नेचुरल डाइट नेचुरल डाइट है, उसका कंपैरिजन कोई नहीं करेगा. पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो फिर मैं मतलब ऐसे ही कुछ भी नॉलेज नहीं था, 6 केले खाता था दिन का, और 6 अंडे सुबह 6 अंडे शाम को. जब मैं 9th standard में था तभी मैं वर्कआउट के लिए ज्वाइन कर लिया, बराबर तभी मैं 3 महीने में अच्छी खासी बॉडी 16 के. तेरा गोल क्या है लाइफ में, तू बॉडी क्यों बना रहे है ये बता. सर मैं बॉडी इसीलिए बना रहा था, मतलब मेरे आसपास के लोग थे, वो आसपास के जो फ्रेंड्स थे वो लोग जिम जाते थे, तो मुझे भी इच्छा थी कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूं. मेरी कोई गोल नहीं थी कि मैं बॉडी बिल्डर, तुझे फिटनेस ट्रेनर बनना है. नहीं, फिटनेस ट्रेनर भी नहीं, ओके. इतना था कि खुद को इतना फिट कर लो कि कोई अपने को कुछ कर ना सके लाइफ में. बस बहुत अच्छी बात है यार. बहुत अच्छी बात है. तो ये मेरा गोल था कि मतलब बचपन में, मतलब छोटे थे तभी काफ़ी लोग, आसपास के लोग अपनी हिम्मत पे ये करते, मुझे ऐसा बनना था कि मैं 4 आदमी के सामने एकदम स्ट्रांग लगूं. बराबर. तो इसलिए मैंने अपने को इतना स्ट्रांग बनाना चाहा. आज भी मैं जिम में 3:45 लगा के शॉर्ट्स मार्क्स लेता हूँ. जो एज में था ना मैं, वो एज में जिम में काफ़ी ट्रेनर्स थे, वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते कि हाँ मॉन्टू को सिखाना है. तो मैं मतलब जो मेरे एज के थे उससे तो मैं हैवी वेट वर्कआउट करता था, और आज भी मैं उतना ही वर्कआउट वैसे ही करता हूँ. मैं अभी जब ट्रांसफॉर्म कर रहा था खुद को, मैं 6 घंटा ट्रेन करता था. वेरी गुड. उठता था तुरंत बैग लेता था सीधा जिम, जिम से वर्कआउट करके आने के बाद थोड़ा आराम, खाओ फिर जिम. वही शेड्यूल होगा तो ही मसल क्वालिटी अच्छी होगी. जिम के जो भी स्टूडेंट्स थे वो लोग सब टेंशन में, अरे कितना जिम आता है, रिसेप्शनिस्ट बैठी दे रहे मोन्टू कितना जिम आता है, सब बोलते थे. तो मैंने मतलब सर ने ही बोला कि कर, और क्या हुआ था सर पता है, अभी के लॉकडाउन में ना मैंने मतलब 2 ईयर का गैप कर लिया, तो मेरा वेट 65 था, मैं अच्छा खासा. तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन किया. हाँ, उसके बाद मतलब काफ़ी चैनल का लोड आ गया कि चैनल पे सब लोग, मेरा वेट 76 हो गया. ओके ओके. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब करना है. ओके. तो मैंने जिस दिन जिम ज्वाइन किया उस दिन मतलब 1 मंथ का गैप हो गया था 1 ईयर का. उसके बाद मैंने स्टार्ट किए,
फिर मैंने 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन किया, तोड़ फाड़ मेहनत किया और मैंने अपने लाइफ में डाइट नहीं किया था फिर मैंने अपनी लाइफ में डाइट भी किया, क्योंकि मेरी जेनेटिक काफी अच्छी थी कि मैं मतलब कुछ भी खाता था तो भी मेरी जेनेटिक कैसा होता है और सर कैसा, मैं कुछ भी खा रहा हूँ ठीक है, पर मैं ना जिम में काफी टाइम वर्कआउट करता था, उस कारण मुझे जो भी मैं कैलोरी बाहर का बर्न आउट हो जाता और उतना नॉलेज भी नहीं था मुझे बराबर। पर जेनेटिकली भले गिफ्टेड हो, डाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसा होता है बाद में समझा सकते हाँ, बाद में ना जब एज वाइज मेटाबॉलिज्म कम होता है तो डाइट किया नहीं होता है तो फिर फैट बढ़ना चालू होता है। ऐसे कई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर का बताता हूँ मैं, जो पीक टाइम पे सब खाते थे लेकिन जब एज हो गया और ना सर अभी क्यों ऐसे है, मेरे जेनेटिक्स बढ़ने के कारण ना मुझे बॉडी में फैट पकड़ने लगा, जब मैं खाबी का जो भी समझ नहीं टाइप चेंज होता है ना, टाइप चेंज होता है, आप कंटिन्यू उसको खाते रहोगे रोज खाओगे तो फैट बढ़ना ही है। मैं पहले मतलब एथलेटिक्स में था, मैं मतलब 800 मीटर 1600 मीटर रनिंग होता था, यहाँ वहाँ कॉम्पिटिशन के लिए जाता था वहाँ पर मेडल्स भी जीता, मेरी जेनेटिक्स भी काफ़ी अच्छी थी और मैं काफ़ी हार्ड वर्क करता था उस टाइम से, कार्डियो एंडोरेंस बहुत स्ट्रांग था पहले से जेनेटिक्स तो मैंने काफ़ी मेहनत की, फिर इस फील्ड में भी मैंने बहुत जल्दी एंट्री किया बराबर, उसके बाद मैंने मेहनत कभी छोड़ा ही नहीं करना। और यहाँ पे मतलब मेरा ऐसा भी था कि मैं जिम में मैं जाता था तभी ट्रेनर्स को देखता था तो उनकी सैलरी 8,000-9,000 रुपीज़ बस वही रेंज है, तो मैंने मतलब फोकस किया कि लाइफ में मतलब 8,000-9,000-30,000 से क्या होने वाला है, कुछ बड़ा करना है मुझे, लोगों तक बड़ा बनना है बराबर, मैं मेरी चीज़ें लोगों तक ज़्यादा पहुँचे, उस कारण मैंने इस चीज़ों पे वर्क किया, मेरा भाई आया था, मेरे भाई ने सपोर्ट किया फिर करते सर मुझे जिम में मिले, फिर उसके बाद तो हम लोग टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया बराबर। तो सर एक ट्रेनर के हिसाब से मिल गए, सर बोलते थे मैं परफॉर्म करता था हर एक वर्कआउट, भाई शूट करता था बड़ा भाई, वो अभी है नहीं, उसके भी अच्छे चैनल वो भी बड़े बड़े बिजनेस मैन लोग का इंटरव्यू लेता है। अच्छा, तो ऐसे ग्रो कर लिया हमने, फिर अलग ही टर्न हो गया हमारा चैनल 2017 में टॉप इंडिया में फोर्थ आया, टॉप इंडिया वेरी गुड, यूट्यूब ने शेयर किया था अपने ट्विटर पर। थैंक यू मनीष सर, आपने इतना टाइम निकाला हमारे साथ आज इंटरव्यू करने के लिए और यूथ को आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो आपको प्लीज कैसा लगा, सच्ची माँ कसम बताना लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना सर के लिए और जो लोग सर को नहीं फॉलो करते इंस्टाग्राम पे, इनका लिंक नीचे, इंस्टा का लिंक है नीचे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो प्लीज जाके सर को फॉलो करना, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छा चैनल है इनका। अगर आपको फिटनेस के अंदर कुछ आपको अपग्रेड होना है या आपके नए नए वीडियोज देखना है, नए नए सेलिब्रिटीज जो फिटनेस स्टार है उनके वीडियोज देखने, तो इनका चैनल सब्सक्राइब करो। तो तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए, स्टे फिट, स्टे ऑसम, स्टे ऑसम इंडिया। तो दोस्तों तब तक के लिए इजाजत दीजिए, स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।